हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनक्रेडिबल डेली टैरोट में। आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स को लेकर के। क्या सोच रहे थे वो, किस एनर्जी में थे वो, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, 3 बार उनका नाम कम से कम अपने मन में ले लीजिए, और अगर आपके पास उनकी फोटो है तो फोटो देख लीजिए, और नहीं तो विजुलाइज कर लीजिए। इससे एनर्जी ज्यादा कनेक्ट होती है और रीडिंग आपसे ज्यादा रेजोनेट करती है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो हो सकता है 100% आपसे कनेक्ट करे, या फिर कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो जरूर आपके साथ रेजोनेट होगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये वीडियो आपके पास जब पहुंचती है आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर सेवरल मंथ्स, आफ्टर सेवरल इयर्स, ये रीडिंग आपके उस दिन की एनर्जी को बताएगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज डिवाइन प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जी थी उनकी। प्लीज डिवाइन गाइड करें। प्लीज डिवाइन गाइड करें। फर्स्ट कार्ड 8 of Swords, द मून, 10 of Wands, 6 of Swords, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सोच विचार कर रहे थे, बहुत दिमाग लगा रहे थे, दिमाग से चल रहे थे। 5 of Swords, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 of Pentacles, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी, क्या सोच थी उनकी। आपके पर्सन की साइंस मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन, एयर साइन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इस रीडिंग में। एनीवे सारे साइंस की एनर्जी आ जाती है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इसलिए तो यहाँ पे मौजूद है एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, चारों के चारों साइन मौजूद है। 12 की 12 राशियां यहाँ पे मौजूद है। तो सुबह उठते ही जो फर्स्ट कार्ड है वो हमें बताता है कि वो किस एनर्जी में थे, किस मूड में थे। बाकी सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं उस सिचुएशन को कि क्यों ऐसा था। तो फर्स्ट कार्ड में ही हम देखते हैं कि 8 of Swords, वो बहुत ही ज़्यादा बधा हुआ सा फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उनको हर किसी ने बांध के रखा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पर्सन कुछ मैनिपुलेटिंग सिचुएशन में है, जिनसे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर वो उनको लग रहा है कि उनको हर तरफ से बांध करके रखा गया है, और वो उन पर हर तरफ से नज़र भी रखा जा रहा है। वो खुद के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली मौजूद है, एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे जहाँ तक देख रहा है कि बहुत मैनिपुलेटिंग है। हर चीज़ में टोकना, हर चीज़ में जज करना, हर चीज़ में स्पाई करना, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन खुद से चले गए थे आपको छोड़ करके, या एनी अदर सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी में इनके साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट थर्ड पार्टी में ये पर्सन दुखी है, बहुत दुखी है, इमोशनली बिल्कुल टूट चुके हैं, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 10 of Wands, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें वो बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, इतना ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली हो इनकी। पर इन सारे सिचुएशन से, इन सारे जो सैडनेस है, ये जो एक बधा हुआ सा टाइड अप एक सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है, इस सिचुएशन से निकल करके आपके पर्सन एक पीसफुल सिचुएशन में जाना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, खुद को
प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये सारे मैनिपुलेशन से, इन सारे डर से वो कैसे खुद को निकाले और खुद के लाइफ को बैलेंस करे, खुद के लाइफ को पीसफुल बनाए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है थर्ड पार्टी में इस पर्सन के साथ जिसकी भी क्लैशेस हो रही है, वहाँ पे ईगो क्लैश बहुत हो रही है, मैनिपुलेशन डेफिनेटली है। आपका पर्सन हो सकता है कि उनके सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ये भी समझ रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनको कुछ बोल्ड, कुछ रिबेल टाइप की एनर्जी में आ करके इस सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। और निकल करके उनको कहाँ जाना है, निकल करके जाना है उनके प्यार के पास, लवर्स का कार्ड आया है, उनके प्यार के पास जाना है, जिससे कि उनके लाइफ में एक कंप्लीशन का फील हो। अगर किसी के पर्सन अनमैरिड है या मैरिज पॉसिबल है अगर किसी के पर्सन के लाइफ में, तो वो इस रिलेशन को, आपके और उनके रिलेशन को एक कंप्लीशन, एक मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों में मैरिज पॉसिबल नहीं है, आप लोग दोनों ही अलग जगह पे मैरिड हो या एनी अदर सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन इस रिलेशन को एक कंप्लीशन में ले जाना चाहते हैं, एक हारमोनियस रियूनियन टाइप के एक जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको सुकून मिले। ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, अपने प्यार के लिए स्टेप उठाने के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे, दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। इस पर्सन में ईगो भी बहुत है, ये भी मैं देख रही हूँ, ईगो बहुत है, थोड़ा गुस्सेल किस्म के भी ये पर्सन हो सकते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है, मेल फीमेल जो भी हो। एंड नाइट ऑफ कप्स, इनका जो प्यार है ये ओवरफ्लो कर रहा है और ये प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आकर के प्यार ऑफर करना चाहते हैं और इस रिलेशन की फ्रूटफुलनेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि ये सब कुछ करने के लिए उनकी फिनेंशियल पोजिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जितनी मेहनत वो कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा और उस जगह में भी अपनी ग्रोथ पे वो दिमाग लगा रहे थे कि कैसे वो ग्रोथ को लाए। तो ये था उनकी मॉर्निंग की थॉट्स आपको लेकर के, या जो भी सबको लेकर के, मतलब उनकी एनर्जी इन टोटल क्या थी, सिर्फ आपके लिए नहीं, हर सिचुएशन में इन टोटल वो क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे, ये था उनकी मॉर्निंग की थॉट्स। आप देख लेते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आज किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स हमें गाइड करें। अगर मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या उनके पर्सन से आज किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का जेस्चर उनको मिलेगा? प्लीज डिवाइन गाइड करें। थ्री कार्ड्स, आज मैं थ्री कार्ड्स लूंगी, उससे देखूंगी कि आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन या किसी तरह का जेस्चर जिससे आपको लगे कि ये पर्टिकुलरली आपके लिए उन्होंने किया है, लाइक स्टेटस देना, स्टोरीज लगाना, इस टाइप का मैं बोल रही हूँ, या अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करना, इस टाइप का किसी तरह का जेस्चर आपको क्या आज देखने को मिलेगा? प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड करें। चलिए, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है और दो कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, फिर अनफोल्ड करती हूँ। थ्री कार्ड्स, ओके। सन, इसके बाद बाकी दो कार्ड्स देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को आज कम्युनिकेशन, किसी तरह का जेस्चर डेफिनेटली मिलने वाला है, डेफिनेटली, कोई इसमें दो राह नहीं है, डेफिनेटली मिलने वाला है। नाइन ऑफ वांड्स एंड सेवन ऑफ वांड्स, आप लोगों को हो सकता है कि आज प्रॉपर कम्युनिकेशन या बहुत खुल के बातचीत ये सब ना हो, बट किसी तरह का जेस्चर, कोई स्टेटस, किसी तरह का हाई हेलो, कैसे हो, इस टाइप की एक मैसेज या कॉल, इस टाइप का देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत खुल के आपके साथ बात होगी, बट किसी तरह का जेस्चर आपको डेफिनेटली आज मिलने वाला है। हो सकता है कि आप अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज डेफिनेटली कोई ना कोई जेस्चर आपको जरूर रिसीव होगी।
तो ये था आज की मॉर्निंग की उनकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। आपसे फिर मिलते हैं किसी न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।